नमस्कार दोस्तों, सुजाता किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुजाता। आज मैं लेकर आई हूँ सत्तू के आटे के लड्डू की रेसिपी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सत्तू के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 1 बाउल चना का सत्तू, 1/2 बाउल बूरा, 20 से 25 बादाम जिन्हें हमने छोटा छोटा कर लिया है, यानी कि 1 बादाम के 7 से 8 टुकड़े करने हैं। और हमने यहाँ पे 10 से 15 लिए हैं काजू। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या पिस्ता भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है 6-7 इलायची जिन्हें मैंने कूट लिया है और छिलका हटा लिया है। और यहाँ पर हमें आवश्यकता होगी घी की। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने बर्तन रख लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं घी 1 चम्मच, 2 चम्मच। पहले हम 2 ही चम्मच घी ऐड करेंगे, आवश्यकता होगी तो फिर ऐड कर लेंगे। घी मेल्ट हो चुका है तो अब ऐड कर लेते हैं इसमें चने का सत्तू। इसे घर में भी बनाया जा सकता है। चने को भून लिया, छिलका निकाल के पीस लिया। गैस की फ्लेम को कम कर लेते हैं और इसे चलाते रहते हैं। चने का सत्तू है पहले से ही भुना हुआ है, इसे ज्यादा नहीं भूनना है। थोड़ा सूखा सूखा हो गया है, अभी इसमें घी की आवश्यकता और है तो हम इसमें घी और ऐड कर लेते हैं। हमें इसमें इतनी घी की आवश्यकता होती है जिसमें सत्तू गीला गीला सा हो जाए। मिक्स करते हैं। चार चम्मच घी का यूज हमने इसमें कर लिया है। अच्छे से मिला लेते हैं। हमने घी के साथ सत्तू के आटे को अच्छे से भून लिया है तो अभी हम गैस को बंद कर लेते हैं और सत्तू के आटे को प्लेट में डाल लेते हैं। सत्तू के आटे को प्लेट में डाल लेते हैं। हमने 3 से 4 मिनट इसे घी के साथ अच्छे से भून लिया है। इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है क्योंकि सत्तू का आटा पहले से ही भुना हुआ है। आटे को हमें ठंडा होने देना है, गरम गरम आटे में पूरा ना डालें नहीं तो पूरा गरम में जाएगा तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। लड्डू बांधने में फिर दिक्कत होती है, इसलिए हम इसे पहले ठंडा होने देते हैं। सत्तू का आटा अच्छे से ठंडा हो चुका है। जितना हमने सत्तू लिया था, 1 बाउल सत्तू लिया था, तो सत्तू के 1/2 हमने बूरा लिया है। बूरा ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कर लेते हैं काजू। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या फिर नमिया ज़्यादा आप कर सकते हैं। इलायची पाउडर जो हमने दरदरा कूट लिया था और छिलका निकाल लिया था इलायची का, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर गरम गरम आटे में ही आप बूरा डाल देंगे तो बूरा पिघल जाएगा और आटा ठंडा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जब सत्तू का आटा ठंडा हो जाए तभी बूरा ऐड करना है। हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है इसलिए हम हाथों से इसे मिक्स करेंगे। सभी सामग्री को हमने अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। बहुत ही आसानी से सत्तू के लड्डू बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बना के प्लेट में हम
रखते रहते हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं, बहुत ही आसानी से बच जा रहे हैं। सारे ही लड्डू हमने बना लिए हैं, ये देखिए। एक बाउल आटे में 7 लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। लड्डू भी हमने थोड़ा बड़े साइज के बनाए हैं। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसानी से लड्डू बन भी जाते हैं, तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको सत्तू के लड्डू की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।